गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। बाहर का जो सिनेरियो है बहुत कुछ अच्छा तो है नहीं, आप लोगों को पता है कि कोविड के लिए क्या हालत हो चुका है। फिलहाल ब्लॉग करने का तो मन नहीं था, आज एक छोटा सा काम के लिए ही निकल रहा हूँ। जितना कम बाहर निकल सकते उतना ही कम है, बट क्या हो गया कि ऑलरेडी 3774 किलोमीटर मतलब 200-250 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। लास्ट इंजन वाला मैंने चेंज किया था 1500 में, तो 3500 मतलब 2000 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद और भी 270 चलाया गया। गाड़ी में 3-4 दिक्कत भी हो रहा है मुझे एक्चुअली, जैसे कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन लग रहा है, पावर में भी मुझे लेस फील हो रहा है और माइलेज में भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। तो अभी लग रहा है कि इसको चेंज कर लेना ही सही है, चेंज कर लेना, क्योंकि 2000 किलोमीटर हो गया, नया गाड़ी है। लास्ट बार पहले दो बार तो मैंने TVS का जो ऑयल होता है TRU64 वही मैंने यूज़ किया था सर्विस सेंटर से। उसके बाद मैंने यूज़ किया कौन सा वाला, कैस्ट्रॉल पावर सेंथेटिक वाला मैंने यूज़ किया था, वो मैं बाद को आप लोगों को दिखा दूँगा उसका फ़ोटो। मैं इस बार सोच रहा हूँ कैस्ट्रॉल का जो 5-in-1 नया आया है 5W40 उसको मैं इस तरह इस्तेमाल करूँगा इस बार। तो चलो, ज़्यादा दूर तो जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरा घर के नज़दीकी है दुकान। कल मैं बात करके आया था उससे, 400 रुपीज़ उसका प्राइस है। मैं अभी जाता हूँ उधर, फटाफट जाके उसको ख़रीदता हूँ और चेंज करता हूँ, मिलता हूँ दुकान पे आप लोगों से। दुकान तो मैं बहुत ज़ोरों का साउंड हो रहा है, दुकान तो मैं आ गया हूँ अभी। चलो अंकल से बात करते हैं, करते हैं इसका लेते हैं। ओहो, अरे यार, जीते कल के कथा बोले गलम ना दादा, कैस्ट्रॉल 5-in-1 5W আছে তো? আর তোমার জিপে তে পেমেন্ট হবে তো? এটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করব, কেমন গো রিপোর্ট? আগের বার এইটা নিয়েছিলাম, এই যে ক্যাস্ট্রল 5 পাওয়ার 1 ক্রাস, ঠিক আছে? এটা তো না 20W টা না, এ 10W 30 টা নিয়েছিলাম, কিন্তু এইটা বলছে বেশি ভালো হবে। কিছু ডিফারেন্স কি কোম্পানি वाला বলেছে তোমাকে? এটা তো সিনথেটিক মনে হচ্ছে নাকি? 800 ml তো, আমার তো 880 লাগবে তাহলে। এটা 800 ধরে তো কোম্পানি বানায় না। এই রে, তাহলে 900 নিতে হবে সেই পাওয়ার। 900 কোনটা দেখি। হ্যাঁ, এইটাই করেছিলাম, 10W30-40 এটাই করেছিলাম। এইটা যদি কম পড়ে ওদের কাছে কি পাবো একটু না, তাহলে কি কর সলিউশন কি? আচ্ছা, কারণ মোটুল নিলেও তো তোমার পুরো 800ই থাকবে, তার বেশি তো। এটাই ঢালি, এক্সট্রা অ্যাডিশনাল কিছু মেরে নিতে হবে তাহলে। ফিলহাল মানে খরিদ তো লিয়া হ্যায় আর গলতি সে কিয়া কি আমি জলদবাজি মে ঘর সে মে মানি ব্যাগ লানা ভুল গিয়া, তো আবি জিনকো দেখে ইয়ে চেঞ্জ করাউঙ্গা, উসকো তো পয়সা দেনা পড়েগা ক্যাশ মে। तो क्या करता हूँ, एक बार घर जाता हूँ और मेरे पास जो पुराना कैस्ट्रॉल का है सिंथेटिक ऑयल थोड़ा बहुत रहेगा उसमें, मुझे बचा हुआ लगता है, वो लेके आता हूँ। जो 1 ml गैप लग रहा है उसको मेकअप करने के लिए। इनका क्या हो गया दादा को, गाड़ी बंद हो गया है। चलो मिलते हैं दुकान पे जब इसको चेंज करते हैं, ठीक है? लास्ट बार मैंने ये वाला यूज़ किया था, कैस्ट्रॉल पावर 1 पावर रिलीज टेक्नोलॉजी सुपीरियर एक्सलरेशन 10W40, ये मैंने ऑफर लिया था एक्चुअली, ठीक है? इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है मैं वो आप लोगों से बात करूँगा। और पहला दो बार मैंने ये वाला चेंज किया था एंटोर के लिए, TRU64 अल्ट्रा स्मूथ, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो है एक्चुअली ये सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है? तो मैंने लास्ट वाला यही लिया था, अभी चलो दुकान पर जाके चेंज करती है। पुराना डिब्बा क्यों लेकर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें से कुछ ml कम होगा, वो 800 ml है, तो जो कम पड़ेगा वो मैं यहाँ से मैनेज करूँगा। एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ कि अभी
क्या साउंड आ रहा है पीछे से देखो, मतलब ज़्यादा भयंकर तो कोई साउंड नहीं, जो अभी इस इंजो लेवल का जो साउंड है, चेंज करने के बाद क्या होता है मैं वो आप लोगों को सुनाऊँगा। दुकान जाते क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा है कोई भी हम के ऊपर जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे मान लो सामने एक हम पर आ रहा है, ठीक है, हम इसके ऊपर मैंने जैसे गाड़ी को रखा, अभी मैं गाड़ी को भगाने जाऊँगा थोड़ा सा तो घर कर गया, पता नहीं ये किसके लिए साथ घर है, तो एक बार मैं इंजन ऑयल चेंज करके देख लेता हूँ अच्छा वाला क्या होता है। चलो दुकान में मिलता हूँ अभी। हाँ বলছি নূরদা আসেনি, এটা ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে দাও না, ইঞ্জিন অয়েলটা तो चेंज हो गया है, अभी एक बार देख लेता हूँ, अभी तो पता चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, उसको चलाने के बाद एक्सपीरियंस देखता हूँ, अभी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस तो लेता हूँ। हाँ डेफिनेटली साउंड चेंज हो गया है, अभी अगर आप देखोगे बिल्कुल एक अलग सा साउंड। अभी कुछ देर चलाता हूँ, चला के मैं आपको रिव्यू देता हूँ जिसके कारण मैंने इसको चेंज किया, कोई बेनिफिट मुझे मिला या नहीं मिला वो सब मैं रिव्यू आपको देता हूँ कैसा है नहीं है। ये पहला वाला जो 10W30 है उससे इसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा है, डेफिनेटली गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही स्मूथ भाई। मैं तो सोचा था कि शायद मुझे 5-6 किलोमीटर चलाने के बाद ये रिव्यू देने का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब तब मैं दे सकता हूँ, बट आई कैन फील द डिफरेंस, मुझे पता चल रहा है। एक्चुअली कुछ देर पहले जो गाड़ी मैं चला रहा था और अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दोनों में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। गाड़ी स्मूथ हो गया है, ठीक है, साउंड भी स्मूथ है। चलो मैं अभी फाइनल कमेंट नहीं दूंगा, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। मैं कल सुबह फिर से और एक राइड पे निकलता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल रिव्यू में देता हूँ, ठीक है। अभी मैं 10-12 किलोमीटर चला लेता हूँ पहले, इसको चलाने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। बट टिल नाउ जो मैंने अभी जो 100 मीटर ही मैंने चलाया होगा, मुझे जो लग रहा है ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, काफ़ी अच्छा चीज़ है, यू कांट बिलीव, ठीक है। चलो मिलते हैं, ठीक है। करीबन 7 से 8 किलोमीटर मैंने चला लिया है, मैं सोचा था कि नेक्स्ट डे जाके इसका ब्लॉक एंड करूँगा, बट मुझे इतना एक्चुअली अच्छा लग रहा है चलाने के बाद, ठीक है। जो जो दिक्कत था मुझे पहले, ठीक है, गाड़ी थोड़ा सा हार्ड लग रहा था कि मतलब गाड़ी चल रहा है बट बहुत मेहनत करके, ठीक है, रेस बहुत देना पड़ रहा था तब जाके पिकअप ले रहा था, साउंड भी थोड़ा सा इरिटेटिंग था। ये इंजन ऑयल यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, करीबन अभी 8 किलोमीटर मैंने चला लिया है और मैं मन से बोल रहा हूँ इट्स अ वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है, ठीक है। आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंडोर के लिए, इट इज़ फुल्ली सिंथेटिक और मैं बिलीव करता हूँ कि 2000 किलोमीटर तक बिना टेंशन का चलेगा। करीबन 8 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरा रिव्यू है, गो फॉर इट, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला एंटॉर्क के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है मेरा वीडियो देखने के बाद, आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिल रहा है और लग रहा है कि मैं और भी आगे कुछ अच्छा टॉपिक लेके आऊँ, ठीक है, भाई को ज़रूर सपोर्ट करो,
हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।